जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चा सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 हम ऐसे चल रहे। जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली आ गए अपनी नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने। और इस बार दोबारा आपने बहुत ही ज्यादा क्रेजी वीडियो लेके आया। आज जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है। तो गाइस जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं वो मेरा फेवरेट है, आकाश गुप्ता के कॉमेडियन। तो जो टॉपिक है मैं और मुंबई, तो रिएक्शन शुरू करते हैं, देखते हैं गाइस कैसे होने वाली कॉमेडी। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत अपना शेयर भी करेंगे कि हमें ये वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। सिर्फ दिसंबर से मार्च तक जब यहाँ पे एकदम प्लेजेंट मौसम नहीं हो जाता है, जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो। आप लोग ही, मैंने कहा मैं जनवरी में स्वेटशर्ट पहन के आ गया, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला क्या कैसी विंटर्स है ये विंटर्स है तो लोनावलो में तो बर्फ गिर रही होगी। और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग, सनसेट के बाद ना थोड़ा चिली हो जाता है तो हुडीज निकाल लो, हुडीज कि कहीं कान से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। किसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो तुम लोग यहाँ। आई लव मुंबई, मैं रहा हूँ यहाँ पे 2 साल यार, मतलब मुझे याद है कि जब मैं रहा था तो ये दिसंबर से मार्च मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर वो 2 महीने आते हैं वो गंदी गर्मी के है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चा सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, फिर सब वेट करते थे हाँ मानसून आ जाए मानसून आ जाए, फिर वो आते और वो आते ही जाते हैं, बहन जो अपने साथ सब ले जाते हैं। दीदी क्यों नहीं आई, बह गई। पर कह रही थी परसों तक वापस आ जाएगी। ये भी तो होता है, काम नहीं छोड़ता मुंबई में कोई, बैग हुआ के वापस आ जाएगी काम करने। मैं जब पहली बार यहाँ रहता था मुझे याद है जब मॉनसून शुरू हुआ ना, पहले 5-6 दिन तो बड़ा मजा आ रहा है कि आई हैव फ्रेश हवा, ग्रीनरी, पानी। फिर वो ना 2 हफ्ते हो गए यार, वो ना धूप निकल रही है, मैं कहा भाई ये कच्चे कहाँ सुखाने हैं यार, तेरे बेडरूम में पंखे नीचे, जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं, वहीं गीले कच्चे वहीं से पहन लो, वहीं सुखा दो, उसी पंखे में मर जाओ। लव यू मुंबई, मानसून 3 महीने गीले कच्चे पहन के घूमा, बस वो रोटी बनाते हैं शाम तक दिखा इसमें फंगस लगी है। अगर ये पेस्टो रोटी कौन बना के गया घर में यार, दीदी ने फोकाशिया ब्रेड बनाई है, फोकाशिया। मुझे लोकल ट्रेन बहुत पसंद थी क्योंकि दिल्ली में ये नहीं थी, दिल्ली में मेट्रो थी जो यहाँ भी बन रही है, अभी तो काफी बन चुकी है यार भाई। ये कोलाबा सीप्स बैंड्रा वाली कब से खुदी पड़ी है यार, कई बार तो मेरा मन करता है मैं ही बोल दूं भैया मैं फ्री हूँ हेल्प कराने के लिए आ जाओ, 2 घंटे आ जाओ, मैं चल के रहे यहाँ बताते भी नहीं हो। इसे रिएक्शन यार बहुत है, बहुत गजब होता है। वो पिलर वाली मेटर बन रही है, वो कुछ अलग ही लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ मैं देखे कुछ पार्ट्स हैं जो पूरे रेडी हैं, पिलर, गर्डर, खंबा, ट्रैक, उसके आगे खुदा भी नहीं है। ये कैसी प्लानिंग है? अगला स्टेशन डीएन नगर। ओ डीएन नगर भाई, दरवाजे आपकी बालकनी में खुलेंगे। सॉरी वो तो यहाँ होती नहीं।
बालकनी नहीं है भाई साहब मुंबई में, दरवाजे आपके बेडरूम में बहुत है। कृपया हट के खड़े हो, कृपया हट के खड़े। ये कैसा ठेका बटा है? ठेके जा रहा हूँ, एक बंदा बना के घर चला गया, दूसरा कह रहा छोड़ना है, अगले महीने देखता है। लोकल ट्रेन बहुत सही थी, मतलब और जब ना ऐसे फिल्मों में इतना देखा होता है ना, मैं तो जब दिल्ली से आते हैं ना, लटक के एकदम एकदम मन में गाने गाने शुरू कर देते हैं। सफर का ही था क्या बेटा, बैठ जाओ इधर गया इधर गया, मैं लटकूंगा अंकल है। फील आती है, तुम हवा लगती है। मेरे पास एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है साथ में। आप लोगों ने कॉमिक्स तान देखे? तो ना कॉमिक संघ की शूटिंग मुंबई में हुई थी, तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना अंधेरी में ठहराया हुआ था 2 महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था, तो हाँ, तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स उस शो में। तो हमें थाने जाना था और थाने से वापस बैंड्रा आना था एक और जगह परफॉर्म करने। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब वैब में जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैं कहा सही है, ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से 2 लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था, जो एल डी सुजा, ठीक है। तो हम अंधेरी में थे, लोगों ने बोला पहले मेट्रो लेके घाट को पर जाओ, वहाँ से लोकल मिलती है। तो वो मेट्रो है ना जो सबसे पुरानी है, चल रही है कब से, वो वर्सोवा घाट को पर, वो मेट्रो नहीं है यार, वो एसी वाली लोकल ट्रेन ही है वो भाई। उसमें इतनी भीड़ होती है यार, मैं देखिए लोग ही पिछवाड़े पे आके दरवाजा रुक जाता है, टंग 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 टंग, बंद ही नहीं हो रहा, टंग 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 टंग, भाई साहब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, ये सब सहने के बाद कोई पीपीटी कैसे दे सकते हो? मान गया आप लोगों को यार, आपके जज्बे को मान गया मैं। और ये इसमें अगर आप पलट जाओ तो ये हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर जगह से आप। तो हम चढ़े अंधेरी से, फिर ये हुआ हमारे से, फिर हम घाट को पर उतरे। तो किसी ने बोला यहाँ से ना आपको मुलुंड की तरफ जो ट्रेन जाएगी ना वो लेनी है, उसमें थाने आते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हमने फास्ट में जाना स्लो में जाना, फास्ट में जाएंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो शहर के नहीं होते हैं, हमारा वाइवा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके वाइवा होना चाहिए हमारा। फास्ट में जाओगे? यस सर। बताओ कौन कौन स्टेशन आएंगे? अपना दादर, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, आउट, गोरेगांव आएगा फास्ट में, जाओ स्लो में जाओ। तो हमें कहा फास्ट में रहेंगे यार, फास्ट में तो हम फास्ट के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, एक फास्ट है। अब मुझे नहीं पता था वो रुकती भी फास्ट ही है, वो आई, उसमें से लोग चढ़ गए, उतर गए, हम 2 चढ़ गए, 1 रह गया। फिर जो 2 चढ़े थे वो भी कूल के, नहीं नहीं ग्रुप है, एक साथ जाएंगे, निकल गई। अब हम अगली फास्ट का वेट करें, इधर में 3 स्लो चलेगी पीछे से। मैं क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, स्लो में चलते हैं यार, चलो। जैसे हम चढ़ने लगे फास्ट आ गई। मैं तो ये ऑपरेटर देख रहा ना ऊपर से, ये गंदा बैठ के देख रहा ना कि हाँ स्लो पे जा रहे हैं, फास्ट में से निकल जी, निकल जी, वापस आ रहे, आधा घंटा ब्रिज पे घुमाते रहेंगे। मजे लेता है ये शहर आपसे। तो ना इतने में फास्ट आई, अब उसमें ना मुलुंड ने लिखा था, उसमें लिखा था आसा गांव। हमें कोई आइडिया नहीं कौन सी जगह है, कहाँ का गांव है। तो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, कह रहा आपको थाने जाना है, चढ़े जाओ उसमें, ये परफेक्ट ट्रेन है आपके लिए भाई साहब, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेशन ही थाने है। मतलब ब्यूटीफुल, एक ही बार चढ़ेंगे, एक ही बार उतरेंगे, बार बार होगा भी नहीं कुछ। हम तीनों घुस गए इस तरह अंदर, ठीक है,
तो ना ट्रेन चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन ही थाने था, आई थिंक 10-15 मिनट ऐसा कुछ लगने थे आने में। तो ये सुमित और जोएल, आप देखा जब लोग कम्यूट कर रहे होते कई लोग ऐसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट बातें करने लग जाते हैं, तो ये दोनों लटके हुए वहां पे। जोएल बोला था सुमित को कि मान ले तू थाईलैंड पे अकेला फंसा है और तेरे साथ हमारी ग्रुप की कोई लड़की हो सकती है, तो तू किसको चाहेगा? यहाँ से सुमित, क्या कर रहे हो तुम लोग? थाने आने वाला है लहर आई और मुझे अपने साथ ले गई। मैंने किसी को पकड़ा हुआ था, मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरी शर्ट का ऑफ शोल्डर टॉप हो गया, पूरे एकदम एकदम ऐसी हालत हो गई है। यहाँ मैंने होश संभाला, वहां से जोएल आ रहा है। हम दोनों ने एकदम ढोली तार ढोल से वहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। फिर हमने एक दूसरे को देखा, हाँ हाँ, उनका सुमित कहाँ है? सुमित रह गया अंदर और चलो आइलैंड पे लड़कियों के साथ बातें। तो हम बाहर से ऐसे एकदम वो टेंशन में आ गए, मैं कहा सुमित आ भाई, अंदर से आवाज आई, आना तो चाहता हूँ पर ये आना नहीं दे यार। उस दिन जो मैंने देखा ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुमित इनकमिंग भीड़ में उल्टा खड़ा था, इनकमिंग भीड़ में उल्टा, एक जत्था चढ़ा है लोगों का, उसकी छाती पे मुक्के मारते अंदर ले गया उसे। मुझे ये विजुअल याद है कि वो ऐसे खड़ा था। ये शहर कई बार आपको कितना बेबस फील कराता है यार, आप अपनी मंजिल के इतना पास होते हो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब अगर ट्रेन का एज ये था ना, सुमित यहाँ खड़ा था, वो ये नहीं कर पाया। ये मुंबई, मुंबई मुंबई एकदम फंसा दिया उसको। अब ये ट्रेन ज्यादा रुकती नहीं है ना, हमें लगा अब गया तो। पर उस दिन कुछ तो बकचोदी हुई, उस ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिला, वो खड़ी हुई है 4-5 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर। तो अब बातचीत हो रही है, सुमित हाँ, मैं कहा भाई आ ना, कैसे आओ यार, मेरे जींस में एक और आदमी है। तो जो उसके आसपास लोग लड़के हुए थे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, कैसा भैया, एक्सक्यूज मी, क्या है? मैं तो सुमित को आने दो। कौन है रे सुमित? प्लीज उसको आंदो, प्लीज, वो मुंबई का नहीं है, भटक जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। उतारो, फुटबॉल चढ़ जाओ।
फिक्स हो गए अब हम फिक्स हो गया हूं चल सुमन चल हां भाई ले गए उसको अपने साथ और वो इतनी फास्ट लोकल थी कोई तो वो किसी दीवा नाम की जगह पहुंच गया जो कि बहुत दूर है उसका फोन आया वहां से कह रहा भाई दो गुफाएं आई एक दरिया आया और हरे पहाड़ मुझे लग रहा है मैं गोवा ही पहुंच गया हूँ मजेदार गाइस आकाश गुप्ता तो मेरा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है इसकी कॉमेडी इसकी जो रिएक्शन होती है इसकी जो बॉडी लैंग्वेज इसका जो एक्शन होता है मतलब अमेजिंग जो होता है ना वो खुद ही एक्टिंग करके जो दिखाता है उस पर तो मैं बहुत फैन हूँ और सबसे फेवरेट सीन कौन सा लगा अभी तक एक नहीं बता सकती ना मैं सारा इधर जो स्टार्टिंग में उसने बताया था मेट्रो में घूर आटा टूट उसके बाद ये बाल और कसम से गाइस क्लोज हो गया पूरा गेट दोनों गेट बहुत तबाही मच जाती है मुंबई जाओगे तो मैं तो आधा की फेस नहीं कहता कि मैं गया नॉर्मल डेज में था कंजेस्टेड होता है चीखे निकल जाएगी चीखे उस लोकल ट्रेन का बता रहे हो ट्रैफिक होती है वो बता क्या रहा है वो क्या दिखा रहा है नहीं ट्रैफिक भी होती है फिर रास्तों में तो ट्रेन का बता रहे ट्रेन के अंदर का बता रहा है वो और गाइस मैं भी मुंबई गया था हालांकि मैं बिल्कुल ऐसे टाइम पे गया था जिस टाइम में मैं बच गया था लेकिन गाइस अगर ये वाला एक्सपीरियंस देख के ये एक्सपीरियंस देख के मैं कसम से फील कर पा रहा था कि एक्चुअली में क्या होता होगा 5 से 7 बजे की शिफ्ट में तो गाइस हमें एक तरीके से ये चीज़ बच गई कि 5 से 7 बजे वाली चीज़ में बचना चाहिए और दूसरी चीज़ वाई वाली बात भी बदल गई होगा गाइस कसम से खूब मज़ा आया होगा गाइस बहुत मज़ा आता है आकाश गुप्ता की वीडियो देख के और क्या एक्टिंग करते हैं बिल्कुल ही क्रेजी बिल्कुल मतलब उस एक सिचुएशन में हमें पूरा घुसार देते हैं और भाई कितना मज़ा लगा और लास्ट में जो सुमित दोस्त है वो फाइनली पहुंच जाता है अपने गोवा में और ओवरऑल गाइस हमें तो बहुत मजा आया आपको कितना मजा आया आप कमेंट बॉक्स में आगे बताएं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।